नमस्ते बच्चों, क्लास 5 संस्कृत कक्षा है आपकी और आपको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। अभी आपने शब्द रूप पढ़ चुका है, अभी आपको कारक और धातु रूप पढ़ना है। तो मैं आज आपको धातु रूप के विषय में बताऊंगी। धातु रूप अप्रैल माह में आप लोग के पाठ्यक्रम के अनुसार ही बताए जा रहे हैं। जैसे पठ पाँचों लकारों में पढ़ना है, भू पाँचों लकारों में पढ़ना है, अस पाँचों लकारों में पढ़ना है। तो मैंने पठ आप पहले पढ़ चुके हैं, भू भी पढ़ चुके हैं, अस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले आप तीन ही लकार में पढ़ते थे, लेकिन क्लास 7 में आपको पाँचों लकारों में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बेटा इसमें लट लकार में अस का अर्थ होता है होना, मैंने दिया हुआ है। पुरुष जानते हैं, आपको जानकारी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके विषय में बात की जाए वह प्रथम पुरुष हुआ, सुनने वाला मध्यम पुरुष और बोलने वाला उत्तम पुरुष। जिसे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिसे दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जिसे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। मैंने अस धातु रूप थोड़ी सी कठिन है तो मैंने इसे लिख दिया है। लट लकार में अस्ति सत संति, लोट लकार में अस्तु सताम संतु, लंग लकार में आसित अस्ताम आसन, और विधि लिंग में शयात शैताम शयु, और लिट लकार में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। लेकिन पठ और भू धातु आपको स्वयं पांचों लकारों में लिखना होगा। पठ धातु का एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे इनके शब्द रूप जाते हैं, धातु रूप जाते हैं। तो पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावो पठाम, या लट लकार यानी वर्तमान काल, काल यानी टेंस, टेंस यानी लकार, मतलब संस्कृत में उसको काल बोलते हैं, हिंदी में संस्कृत में उसे हिंदी में काल बोलते हैं, टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और लकार बोलते हैं संस्कृत में। तो वही हुआ पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम, लट लकार में हुआ। उसी प्रकार से लिट लकार यानी फ्यूचर टेंस में पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। उसी प्रकार से अपठत अपठताप अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठा अपठाम। उसी प्रकार बेटा लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठाम। उसी प्रकार विधि लिंग में पठेत पठताम पठेउ पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेउ पठेम। ये हुआ हमारा लट लकार। ये पांचों लकारों में आपको उनको पढ़ना है, और यही आपको अगले भी क्लास में पढ़ना है। पिछले में भी आपने पढ़ लिया और अभी भी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए इस धातु रूप को स्मरण करने आवश्यक है। पठ भू और अस तीनों धातु रूपों को पाँचों लकारों में आप बच्चों को पढ़ना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।